ओबीसी मिलू कि अधिकार जदि मिलूनी तेरे क्यों रही असुविधा पछुआ वर्ग को अवहेला पचरे किए ये तमाम प्रश्नर उत्तर खोजिंट जातीय ओबीसी कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह विभिन्न पर्यायर राजनैतिक दल और संगठन कर्मकर्ता पाखर अभियोग लंबा दस्तावेज संग्रह करमिशन सदस्य तेरे ओडार ओबीसी मान अधिकार और दाबी संपर्क में राज्य सरकार दृष्टि आकर्षण करे अभियोगकारी आश्वासन देखते कमिशन सदस्य संविधान में जो प्रदत्त है वो लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसके संदर्भ में काम करना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसकी रिपोर्ट देना, उस पर रिकमेंडेशन करना, ये हमारा काम है। तो जो हमारा काम है उस पर मैं काम करूंगा। कमिशन सदस्य को बीजेपी भेटा बेले अभियोग करथिला ओबीसी मानकु भुआ बोलाउछन्ती सरकार मंडल कमिशन सुपारिश उपरे पछुआ वर्ग को सुविधा मिलना सरकारी चाकरी क्षेत्र में 27% बदल में मात्र 11.25% संरक्षण देवाई घोषणा कर शिक्षा क्षेत्र में आद संरक्षण सुविधा नहीं ओबीसी फाइनेंस कमिशन द्वारा आर्थिक सहायता पछुआ वर्ग को मिलना ओडिशा ओबीसी कमिशन गठन पर काम करूना जहाँ संविधान अच्छी से देना केन्द्र सरकार डाक्तरी शिक्षा संरक्षण दे किंतु राज्य सरकार चुप अच्छा अन्य राजनैतिक दल और संगठन भी ओबीसी प्रति होता अवहेलार तथ्य रखी केवल आईन को आखिठार मारी कोर्ट आम को जेहेतु कहला 50% आम तेणु उपाय आम पाखे ना बोली कहते लड़ी ना ठिकणा भाव केस को लड़ी ना ठिकणा जुक्ति उपस्थापन करना ओडिशा रे शेड्यूल्ड एरिया सबुठ अधिक आम पाखे जथेष जुक्ति अच्छी जातिगत जनगणना 2021 जनगणना रे करा जाउ द्वितीय दाबी होची 50% रु अधिका संरक्षण सीमा को वृद्धि करा जाउ तृतीय दाबी होची ओबीसी छात्र छात्रि को नाम लेखा रे एवं नियुक्ति क्षेत्र रे ओडिशा सरकार 27 भाग संरक्षण दियंतु चतुर्थ दाबी होची ओपीएससी रो अध्यापक पदवी पई जो नियुक्ति बाहरीची सेथिरे साधारण पिलांगो पई 55% मार्क रखिला बेले एससी एसटी ओबीसी पिलांगो पई 55% रखा जाइछि ताको 5% रिलैक्सेशन करा जाउ एपटे जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य आलोचना परे राज्य पछुआ वर्ग कमिशन अध्यक्ष कहते सबु शिक्षा अनुष्ठान रे एससीबीसी छात्र छात्री संरक्षण रहा दरकार राज्य सरकार केन्द्र पाखक एससीबीसी आईन को संविधान नवम अनुच्छेद सामिल करने को आवेदन केन्द्र अनुमति दे एससीबीसी 27% संरक्षण हो पार बोली से कहते सो मिसेले 50% हो जस्ट 50% से अधिका हेनी कि स्टेट गवर्नमेंट जब मुव हुए मुव बोधे जहाँ अनुमान कर आक्ट जो मोर अच्छे एससीबीसी आक्ट से कन्स्टिट्यूशन 9th शेड्यूल भर्ती करापर जदि सेंट्रल गवर्नमेंट जदि एग्री हुए तो 27% रिजर्वेशन हो पार एक निर्दिष्ट गोष्ठीर नेतृत्व योजनाबद्ध भाव पछुआ वर्ग को अणदेखा कर चली लंबा राजनीतिक काल भितर शिक्षा क्षेत्र में सबू राज्य संरक्षण दिया ये राज्य में ना सरकारी चाकरी क्षेत्र में कहले आम 27 दे पारूँ विभिन्न कारण से कारण पुणी अलग विषय आलोचना करवा 11.25 से दौना ओबीसी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गोटे अच्छी ऋण दबो स्किल ट्रेनिंग दबो प्लेसमेंट करिवो सेटा भी एठी किछि जीरो किछि कार्यक्रम होउनाही एठी गोटे कमिशन दीर्घ दिन काल कमिशन अध्यक्ष पद खाली पड़ा धर्मेन्द्र प्रधान दाबी करिबा परे केन्द्रीय ओबीसी कमिशन गस्त करिबा परे से कमिशन गठन होला किंतु से कमिशनर कार्य कौन एबे 1.5 वर्ष पर भी तार किछि कार्य जणा पड़िनाही राज्य सरकार से विषय आग्रह प्रकाश करनाहती कि कोनसी इनिशिएशन नाही सांविधानिक व्यवस्था अनुसार ओडिशा व्यतीत अन्य राज्य में शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी को संरक्षण मिली कौन राज्य में केन्द्र सरकार को अनुमति आवश्यकता पड़े तेरे नुआ आईन में किए ओबीसी ता निर्धारण दायित्व ओडिशा पाखे न्यस्त बेले राज्य पछुआ वर्ग कमिशन बयान नुआ बिवाद ठिया कर भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।